हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर पढ़ेंगे। मिडनाइट विजिटर, आधी रात का मेहमान। आसबल ए सीक्रेट एजेंट। आसबल एक गुप्तचर है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए मैनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और आशा करता है कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा गुप्तचर है, मैक्स नाम है जिसका, थ्रेटनिंग हिम, उसे बहुत ज़्यादा डराता है। विद ए पिस्तौल की सहायता से डिमांडिंग द रिपोर्टर रिपोर्ट की मांग भी करता है। डज आसबल आउटविट हिम, क्या आसबल उसे छुटकारा पा लेता है। आसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। आसबल किसी भी तरीके से बढ़िया गुप्तचर नहीं लगता था जैसा कि फाउलर ने कुछ पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन ऑफ मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर आसबल हैड ए रूम। सबसे पहली बात तो ये है कि एक दुर्गंध युक्त गलियारे में और उदासीपूर्ण भरे हुए फ्रेंच होटल में आसबल का कमरा था। फाउलर फेल्ट वेरी डाउन। फाउलर ने बहुत ज़्यादा निराशा महसूस की थी। इट वॉज ए स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा था। ऑन द सिक्स एंड टॉप फ्लोर, छठवीं मंजिल पर और सबसे ऊपरी मंजिल पर। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और बड़ी मुश्किल से लगता था कि यहाँ पर कोई कारनामा होने वाला है। आसबल वाज फॉर वन थिंग, आसबल के लिए एक बात तो महत्वपूर्ण थी, वेरी फैट, फैट वेरी फैट, मोटा था वो, बहुत ही मोटा था। एंड देन देर वाज हिज एसेंट, और यही उसका उच्चारण भी था। थ्रो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यहाँ तक कि वह फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टूगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। फिर भी उसने अपना अमेरिका का जो अमेरिकन भाषा था उसका लहजा नहीं छोड़ा था, और उसे पेरिस से बोस्टन आए हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत निराश दिखते हो। आसबल सैड ब्रिजली, बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए आसबल ने कहा, ओवर द शोल्डर, उसका कंधा मटकाते हुए। यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, मुझे बता, तुम कहते हो, यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एसपी, जासूस हूँ, डीलिंग व्यापार भी करता हूँ इन एस्पोंस और जासूसी भी करता हूँ, एंड रोमांटिक, और थोड़ा सा रोमांटिक भी हूँ। यूअर एविडेंस, कल्पना करते हैं आप, मैस्टीरियस, सॉरी, एंड डेंजर, और खतरों से भरा हुआ भी है। यू विशर, तुम्हारी इच्छा होगी टू मीट मी, कि मुझसे मिलोगे, बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग, नौजवान भी हो, एंड रोमांटिक, और रोमांटिक भी हो। यू एविचेंसर्ड मैस्टीरियस फिगर इन नाइट, कि अवश्य ही तुम एक रहस्य भरी फिगर आकृति से मुलाकात आज हो जाएगी। एंड क्रैक ओ पिस्टल ड्रग्स इन द वाइन, जिसके हाथ में बोतल भी होगी और ड्रग्स, शराब भी रखी होगी। इंस्टेड यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन, यहाँ तक कि अब तुम्हें एक मोटे से आदमी के साथ शाम बितानी होगी। Who instead of having messages slipped into his hand by dark eyes beauties get only a perfect telephone call making an appointment in his room। और आप ये सोच रहे होंगे कि काले आंखों वाली लड़कियों के अच्छे अच्छे यहाँ मैसेज आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि यहाँ तो एक साधारण सी फोन कॉल आ रही होगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। You have been bored, तुम तो बोर हो गए होगे। The fat man क्लैकल्ड टू हिमसेल्फ, खुद ही कह रहा है, एज ही अनलॉक्ड द डोर, और दरवाजे को जैसे खोल दिया गया हो, ऑफ हिज रूम, उसके कमरे को, स्टूड असाइड लेट टू ए फिक्चर गेस्ट एंटर, उसने देखा कि एक परेशानी में भरा हुआ मेहमान उसे कमरे में एंटर प्रवेश कर जाता है। यू आर डिलुशिड, तुम भ्रमित लग रहे हो, आसबल टोल्ड हिम, आसबल ने उसे बताया। बट टेक चीयर, परंतु कोई बात नहीं, खुश रहो, माई यंग फेलो, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान मित्र, प्रेजेंटली, अभी अभी, यू विल सी ए पेपर, तुमने कुछ पेपर देखे हैं, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, बड़े ही महत्वपूर्ण पेपर है। फॉर विच सेवरल मेंस एंड वुमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिसके लिए बहुत से आदमी और औरतें अपना जीवन विदाओं पर लगा देते हैं। कम टू मी, मेरे साथ आओ, सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इतिहास ये कुछ प्रभाव जरूर डाल सकते हैं। इन दैट थो इन ए ड्रामा इज नॉट देयर, क्या ये कोई ड्रामा है, नहीं, उसने सोचा। As he spoke, जैसे ही वह बोल रहा था, आसबल closed the door behind him। आसबल ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया था। Then he switched on the light, तभी उसने लाइट भी जला दी थी। And as the light came on, और जैसे ही लाइटें जली थी, Fowler had his first authentic thrill of the day। Fowler को अपने
उस दिन का पहला रोमांच मिल गया था फॉर ऑफ वे अक्रॉस द रूम। जैसे ही वो कमरे में थोड़ा सा आगे बढ़ा था, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड्स टू डेमन, उसने देखा कि एक आदमी स्वचालित पिस्तल अपने हाथ में लिए हुए है और आगे खड़ा हुआ। आस बल्ब ब्लिंक करे फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए तो आसबल ने पलके झपकाई। मैक्स ही विजिट, वह चिल्लाया, यू हैव मी क्वाइट स्टार्ट यू गेव मी, तुमने फिर शुरू कर दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर इन बर्लिन, तुम तो बर्लिन में होगे, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माय रूम, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। इन प्रश्नों के कुछ ये इसमें मैं कुछ प्रश्न लिख रही हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर आपने हेल्प बुक की सहायता से करने हैं। हाउ इज आसबल different from other secret agent, secret agent. Question number 2 है, who is Fowler Who is Fowler and what in his first authentic thrill of the day till of the day. Third and final question is, write character character sketch of Asbal. आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में हेल्प बुक की सहायता से लिखने और इन्हें याद भी करना है।